नहीं मैं नहीं हूँ विष्णु ड्यूटी अकेली बैठी बैठी हूँ जाती हूँ इसलिए उदास तुम ठीक कहती हो लेकिन आज का मालूम क्या बात है सुबह से रह रहकर पिताजी की याद आ रही है आप पिताजी की याद नहीं चलती पिताजी को कुछ नहीं होगा अगर पिताजी को कुछ होगा तो राजमहल से कोई ना कोई दरबारी अवश्य तो ठीक रहती हो लेकिन आज हम इंतजार करेंगे पहाड़गढ़ रियासत का कोई समाचार नहीं मिलता तो कल हम पहाड़गढ़ रियासत चलेंगे क्योंकि पिताजी की याद आ रही है पिताजी की तस्वीर में आंखों के सामने नाच रही है ऐसा लगता है जैसे पिताजी को कोई कष्ट हो या कोई तकलीफ हो चलो आज हम इंतजार करेंगे इतना भाग तो ही क्यों आए हो क्या बात है तुम्हारी आंखों में आंसू क्या बात है तुम रोते ही आए भैया बहुत गजब हो गया भैया क्या गजब हो गया भैया आपकी सारी सेना वो आपके पिताजी जय मैदान में पिताजी वर्ष ये बताओ पिताजी वर्षाई सेना को मारने वाला कौन है आपकी सारी सेना वो आपके पिताजी को मारने वाला सम्राट पदम सिंह रियासत नाम पर करने वाला महाराज पदम सिंह जिसकी औकात में बैठ के छूत के बराबर नहीं वो मेरी हवेली पर चढ़ा दिया मेरे पिताजी का खून दिया आप वहां मत जाए भैया अगर आप वहां जाएंगे तो आप फिर बेहोश मारी जाएंगे भैया क्योंकि आपके पीठ पर का सहारा देने वाला कोई नहीं भैया इसलिए आप वहां मत जाए भैया तो क्या हम काय की तरह छुपकर बैठ जाऊंगा नहीं काय की तरह छुपकर नहीं बैठूंगा महाराज पदम सिंह से शरण करूंगा मुझे आपकी जान की परवाह नहीं है बहू रानी की जान की परवाह नहीं है भैया मुझे अपने आप की जान की परवाह नहीं करता भैया मुझे तो सिर्फ जो बहू रानी की गोद में मां का बच्चा पल रहा भैया जरा सोचिए कि मासूम बच्चे को कुछ हो गया तो पहाड़ का जो चिराग चल रहा है ये हमेशा हमेशा के लिए बुझ जाएगा भैया क्योंकि सम्राट पदम सिंह रियासत ऐलान करवा चुका है कि जो भाई आपको पकड़कर सम्राट पदम सिंह के सामने पेश करेंगे भैया उसे 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा और इतना ही नहीं आपको जो कोई खाना और पानी देगा उसे भी सजाए मौत यानी फांसी को पुकलाया गया भैया इसलिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ कि आप वहां मत जाए भैया सिपाही ठीक करता है क्योंकि मैं तनाव कर क्या सकता मेरी फौज मार दी गई है मेरी पीठ पर सहारा देने वाला कोई नहीं है मैं तरना क्षमा नहीं करता हुआ और फिक्र है इस छोटे से मुन्ने का
काश इस बच्चे को कुछ हो गया तो पहाड़ और यशक की निशानी हमेशा हमेशा अपनी शुरुआत हो जाएगी। बेटे को बचाने के लिए हमें यात्रा छोड़कर कहीं दूर जाना होगा। जितनी जल्दी हो सके तुम अपने मायके घर जाओ। आपकी क्या कहेंगे आप क्या कहेंगे? मैं अपने मायके चली जाऊं नहीं करना। आज आपके ऊपर इतना बड़ा धोखा इतना बड़ा कष्ट था तो मैं आपको अकेले छोड़कर अपने मायके चली जाऊं नहीं करना। मैं आपके सुख दुख में आपका हाथ बटाऊंगा। आप कहां भी रहेगी जो भी कठिनाई का सामना आपके साथ में करूंगी मैं अकेले ही जाऊंगा। भारत की नारी का यही धर्म होता है कि पति के पोषक में ना पटाई। रामशिव तुम जितनी जल्दी उसके यहां से निकल जाओ और हम फौरन चले जाएंगे। ये आपने क्या कहा मैं वापस चला जाऊं? नहीं भैया, हमारे पूर्वजों ने सदैव आपका नमक खाते चले आए भैया और आपका नमक हमारे रग रग में समाया हुआ है। मैं आपको इस हालत में छोड़कर चला जाऊं? नहीं भैया नहीं, मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। मेरे साथ रहकर तुम्हें बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा और मैं ये नहीं चाहता कि मेरे साथ रहकर तुम अपनी जान गवाओ। नहीं भैया, मुझे भी कितनी भी कठिन सामना करना पड़े मैं हर कठिनाई से हर सामना कर लूंगा, हर मुसीबत को सह लूंगा, लेकिन मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जा सकता। तुम इतना बड़ा खाद्य शक्ति हो, इतना बड़ा खाद्य शक्ति हो तो मेरा काम करो। हुक्म कीजिए भैया। तुम आज ही रामगढ़ यात्रा जाओ और महाराज पदम सिंह से नौकरी की गुजारिश करो। वो तुम्हें नौकरी नहीं देता क्योंकि तुम रियासत की सिपाही हो, लेकिन पदम सिंह को वीर से चाहिए। उसे कह देना कि काश हमें आपका नाम दे दिया तो मैं वीर खेल को पकड़वा दूंगा, क्योंकि पदम सिंह को वीर से चाहिए। वो तुम्हें शरण अभिष करेगा और फिर तुम वहां तैनात हो जाओगे तो वहां का राज तुम्हें अच्छी तरह मालूम पड़ेगा। हमें तुमसे मिलकर सरलता मिलेगी क्योंकि वहां का राज तुम्हें अच्छी तरह मालूम पड़ेगा कि पदम सिंह हमारे विषय में क्या क्या सोचता है और हमें एक वहां का मिलता रहेगा और मैं जय से नहीं बैठूंगा। अगर भैया अगर ऐसी बात है तो मैं सम्राट पदम सिंह के सामने जाऊंगा भैया, वो क्यों ना मेरी गर्दन को पकड़ दे। लेकिन जाने से पहले भैया आपकी रक्षा है और आपकी हिफाजत के लिए मैं अपने बंदूक और कारतूस मैं आपको देकर जा रहा हूं भैया। आप इसे ना नहीं करना, इसे पूरी तरीके से भैया तुमने अपना हाथ अदा कर दिया और वक्त आया तो ये शाम का बदला जरूर चुकाऊंगा। चाहो भगवान तुम्हारी रक्षा करें।
काश तुम अपनी आंखों से आंसू गिराओगे तो अपने काम में कामयाब नहीं होंगे। जाओ, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अगर ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्द मुलाकात होगी। मैं अपनी जान की बाजी लगाकर मुन्नी की रक्षा करूंगा। कितना बड़ा राष्ट्र था। चलो हम फौरन यहां फिरकर चलिए। नहीं, राम करके सिपाही यहां भी आ सकते हैं और तरह कुछ इकट्ठा होगा। आओ मेरी शाह। Thank you.